को सर टैलेंट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला एनजीओ बगो में हम लोग अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा और कैसे क्या टर्म कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना और ओटीपी डालना है। सिंपल सा आप प्ले स्टोर में जाएंगे, इसके बाद में आपका डाउनलोड होता है तो आपको मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद ओटीपी, इसके बाद में देन आपको पैन कार्ड में जो आपका नाम डाला होता है आधार कार्ड में वो आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड में लिखी हुई होती है, बिल्कुल सेम डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इसके बाद में जैसे ही हम ओके करते हैं, ठीक है, थोड़ा समय लेता है क्योंकि सर्वर इशू वजह से थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट यानी कि जिस भी आप अकाउंट को अपने यानी कि एंजल ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं, जिसमें पैसा मंगाना चाहते हैं, जिससे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर डालना है जो भी आपका अकाउंट नंबर हो तो आप डाल दीजिए। ऐसा अकाउंट होना चाहिए जो थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव की बात करते हैं यानी कि उसमें थोड़ा लेन देन होता रहता हो, वही अकाउंट डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आपको यानी कि जो आपका आईएफएससी कोड होता है यानी कि हर बैंक के कोड होता है, अगर आपको अकाउंट यानी कि आईएफएससी कोड निकालने में दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आपका आईएफएससी कोड फिल हो जाता है, आपका पूरा लोकेशन आ जाता है यानी ब्रांच वगैरह डिटेल्स आ जाती हैं। इसके बाद में कुछ चीज़ें होती हैं जो लिखी होती हैं यानी कि एंजल ट्रेडिंग वगैरह, ये सब चीज़ें फ्री हैं। ओके, तो यहाँ से आपका देखिए मैसेज आता है। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्राई करते हैं, बैक होते हैं, डायरेक्टली प्रोसेसर में क्लिक करते हैं यानी कि हमें नेक्स्ट होना, जो बाकी डिटेल्स होती है वो फिल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लान डिटेल भी देख सकते हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट फ्री है ये सब चीज़ें। यहाँ बात करते हैं डिजी लॉकर से आपका पूरा डेटा लिया जाता है, डेटा की बात करते हैं, आपके आधार कार्ड की डिटेल्स ली जाती हैं। ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, डिजिटल लॉकर है और फिर रियल्टी में बहुत ऐसे सारे लोग हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और बहुत अच्छा एप्लीकेशन भी है। तो यहाँ से आपको डालना है जो आपका इसमें मोबाइल पर ओटीपी आता है उसको फिल करना, आधार कार्ड वाला आपका जो आधार कार्ड नंबर होना चाहिए वो यानी कि आपको पास में रखना, यानी कि उसी नंबर से लॉगिन करना तो ज़्यादा बेटर है, इससे आपका केवाईसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आपने दूसरा नंबर रजिस्ट्रेशन किया है और आपके आधार कार्ड में दूसरा रजिस्ट्रेशन है या फिर लिंक है तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर सिंपल आपको अलाउ करना है, अलाउ करने के बाद में आपके यहाँ पे बेसिक डिटेल बननी 5 to 10 lakhs यानी कि आपकी इनकम कितनी है एक साल में, तो आपको 5 to 10 करने और स्टूडेंट करना मेल और इसके बाद में मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर होने वाला है वो आपको फिल करना है। और इसके बाद में बात आती है यहाँ पे आपको आपका नाम वगैरह फादर नेम डालना, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम। यहाँ पर आपको एक सेल्फी लेनी, सेल्फी की बात करते हैं, देखिए कोई भी एक ऐसी सेल्फी लीजिएगा जो जो बेटर हो, बट मैंने तो ऐसे ही ट्राई कर लिया था लेकिन वो भी सक्सेस हो गया था। ओके, लेकिन ट्राई कर लेना आपको कोई भी आपको फ़ोटो लगा देने, काफ़ी दिन पहले वीडियो। सो इसके बाद में पैन कार्ड बताते हैं यानी कि पैन कार्ड जो आपका होगा तो आपको स्कैन करके अपलोड करना है, पर फोटो खींच के आप डाल सकते हैं। ओके, तो देखिए मैं अपना पैन कार्ड अपलोड कर रहा हूँ। ओके, ये पैन कार्ड अपलोड हो गया मेरा। ओके, इसके बाद में आपको बैंक स्टेटमेंट ट्राई कर लीजिए, अगर ज़्यादा बैंक स्टेटमेंट आपका कैंसिल चेक भी हो सकता है। इसके बाद आपका सिग्नेचर होने के बाद में आपको नेक्स्ट करेंगे तो आपको प्रोसेसिंग पे जाना है। ओके, यहाँ पे जाने के बाद में आपका जी ई के वाई सी होता है, दोबारा NSDL बाई लगेगा ये, तो यहाँ आपको NSDL के द्वारा जो आपका KYC होता है यहाँ पे आपको सिंपल आधार नंबर डालना होता है, आधार नंबर या फिर आपका वर्चुअल आईडी, तो लेकिन मेरे ख्याल से आधार नंबर डालिए। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा, OTP की बात करते हैं जो आपका जैसे आधार कार्ड नंबर लगा उसी में आता है। इसके बाद में आपको सबमिट कर देना है, देखिए आपका OTP आ गया है, इसको आप सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद में आपका प्रोसेसिंग सक्सेसफुली हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है प्रोसेसिंग करने में। इसके बाद में ये सक्सेसफुल बता देते हैं यानी कि जो ईसाइन है आपका सक्सेसफुल हो जाता है। इसके बाद में देखिए आपको बताते हैं यहाँ से आपको 500 रुपये तक का यानी कि 2000 तक का वाउचर जीत सकते हैं। इसमें जो करंट ऑफर चल रहा है, वीडियो काफ़ी पुराना है लेकिन रिकॉर्डिंग काफ़ी यानी कि बाद वाली है, तो आपको देखिए लगभग 500 से लेकर 2000 तक का आपको फ्री मिलने वाला है, प्रत्येक रेफरल का आपको पैसा मिलने वाला है। अगर आप एक लोगों को डाउनलोड कराते हैं तो आपको 200 से लेकर 2000 तक मिल सकता है। तो डियर फ्रेंड, आप ट्रेडिंग भी कीजिए, धमाके से लोगों के अकाउंट भी ओपन कराइए। तो मिलते हैं नए वीडियो साथ में, तो बस बताना चाहता हूँ आप अकाउंट ओपन करिए और जो आपको फ़ायदे मिलने वाले वो भी चीज़ें करिए। थैंक यू सो मच। यहाँ आपका जहाँ से ID पासवर्ड ईमेल पे आ जाता है वहाँ आपको ID पासवर्ड डालना है, इसके बाद आपको लॉगिन कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।